डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? चोट लग गई, आपको खून बह रहा है। इतना अंधा कैसे हो गया था मैं घुटन? अलीशा का दर्द मुझे नजर क्यों नहीं आया? मैंने विक्रांत पर भरोसा किया, उसे इस घर में रहने की जगह दी और उसी ने अलीशा को टॉर्चर किया, उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। कैसे हो गया ये सब? सब आप आइए, आराम से बैठिए। क्या कर रहे हैं आप? कितना खून बह रहा है सब? विक्रांत का सच नजर क्यों नहीं आया मुझे कुछ? साहब अब खुद को चोट पहुंचाकर क्या मिलेगा आपको? आपकी प्रॉब्लम पता है क्या? जितनी जल्दी लोगों पर भरोसा करते हैं ना, उतनी जल्दी गुस्सा भी करते हैं जिंदल साहब। और इसलिए ना कितनी बार आप लोगों का सच नहीं देख पाते। गलती अलीशा की है। जिस दिन से इस घर में आई उसने सिर्फ और सिर्फ हम सबको परेशान किया है, जिसकी वजह से हम ना उसका दुख दर्द देख पाए। यही विक्रांत के केस में भी हो। आप उसे अपना इतना अच्छा दोस्त मानते हैं, अपने घर में रहने के लिए जगह दी और उसने आपकी इसी आदत का फायदा उठाया। जिंदल साहब दुख उसे ही पहुंचता है जिंदल साहब, जो मन के सच्चे होते हैं। आपको पता है आप इस घर के पिलर हैं जिंदल साहब। ये पूरा घर, ये पूरा परिवार अगर साथ रहता है तो उसकी वजह आप है। अगर आप इस तरह बिखर जाएंगे तो इस परिवार का क्या होगा? देखिए ना कितनी मुसीबतें आती हैं जिंदगी में, लेकिन उसके बाद भी पूरा परिवार साथ रहता है, उसकी वजह आप हैं जिंदल साहब। आज अगर ये पिलर इतनी मजबूती से खड़ा है ना, वो इसीलिए क्योंकि इसकी नींव बहुत मजबूत है। इस परिवार की, इस घर की नींव जो सिर्फ तुम हो, तुम ही हो गुड्डन, जिसकी वजह से इस घर पे आई हर मुसीबत का हम सामना कर पाते, जिसकी वजह से हम दोनों मिलकर हर दुश्मन का सामना कर पाते, उसे हरा पाते। यहां तक कि अलीशा जो तुम्हारे खिलाफ थी, तुमने उसे अपने प्यार के तरीके से पूरी तरह बदल दिया। मेरे लिए, इस परिवार के लिए, अलीशा के लिए जो तुमने किया है ना, तुमने नहीं जिंदल साहब, हमने। आज तक जो भी कुछ हमने किया है ना, वो आपकी वजह से हुआ है। आपका अनुभव, आपकी समझदारी और इस गुड्डन के टेढ़ेपन का तड़का इसने मिलके किया। हमसे अकेले कुछ नहीं हो पाता। वैसे भी साल भर से ना हमने रोमांस कम और लड़ाई झगड़े ज्यादा सुलझाए, ऐसे ये भी सुलझा लेंगे, तो फिकर नॉट। देखो मेरी बात मानो, अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। उस अलीशा के दिमाग में अक्षत और गुड्डन के खिलाफ इतनी नफरत भर दो, इतनी नफरत भर दो कि वो अक्षत और गुड्डन की बात माने ही ना। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा पूरा प्लान, पूरा गेम चौपट हो जाएगा। तो कोशिश कर लो। वैसे भी झूठ बोलने में तो तुम तीनों माहिर हो। कितने बड़े वाले दुश्मन हो तुम तीनों एजे और गुड्डन के। अलीशा ऐसा कुछ भी नहीं है, दुश्मनी कैसे निभाते हैं मैं बताऊं? अरे अरे अलीशा क्या कर रही हो तुम? अलीशा क्या कर रही है? छोड़ो उसे, क्या कर तुम, पागल हो गई हो क्या? अलीशा मुझे छोड़ो। अलीशा क्या कर रही हो तुम? बेवकूफ समझते हो तुम तीनों मुझे? हां कितने झूठ बोल रहे हो तुम लोग इतने टाइम से मुझसे कि मेरी मम्मी को गुड्डन ने मारा है और रसोईया मेरे वजूद के बारे में जानता था और उसने मुझे अपनाने से मना कर दिया। अलीशा क्या करे, मर जाएगी ये, छोड़ो इसे। मतलब तुम तीनों समझते क्या खुद को? हां तुमने झूठ बोले, मेरा इस्तेमाल किया तुम तीनों ने। अलीशा बस करो। छोड़ो अलीशा, बार बार हमें ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, समझी तुम? किसी ने अगर झूठ बोला, किसी ने अगर इस्तेमाल किया है तो वो तुम्हारी माँ अंतरा थी। अगर सवाल पूछना है ना तो अपनी माँ अंतरा से जाके पूछो नर्क में, क्योंकि इन सब की शुरुआत करने वाली वही थी, सारे फसाद की जड़ वही है, तुम्हारी माँ अंतरा। तुम ठीक हो? अरे आज तो मार देती मुझे वो। क्या किया? सब कुछ बताएगी उसे? तुम क्या करती, इसको मरने देती? अब इस अक्षत, गुड्डन और अलीशा की हैप्पी फैमिली रीयूनियन को कोई नहीं रोक सकता। सोचा था अलीशा अंतरा की बेटी है, कुछ तो अलग होगी, कुछ तो करेगी, लेकिन नहीं। पता नहीं इस गुड्डन में है क्या, क्या चाशनी चढ़ाती है, इस अलीशा को भी बदल दिया।
अरे तुम पानी लेकर आओ। हाँ हाँ लेके आता हूँ, संभालो। के साथ कितना गलत समझा आपको, कितनी इंसल्ट की आपकी, कितने गंदे गंदे इल्जाम लगाए आपके ऊपर। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। नहीं बेटा, इट्स ओके। अलीशा मुझे माफ कर दो कि मैंने आपको अपनी मम्मी का कातिल समझा, पर अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, सब कुछ। मुझे रियलाइज हो गया कि मैं कितनी गलत थी। मैंने आपको आपको हमेशा कितना गलत समझा कि आपने मुझे अपनाने से मना कर दिया था, जबकि आपको तो सच्चाई पता ही नहीं थी। मम्मी ने तो मेरे वजूद के बारे में किसी को बताया ही नहीं था। कितना गलत समझा मैंने आपको। आप मुझे माफ कर पाएंगे ना? या तुम आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? अलीशा कोई तुमसे गुस्सा नहीं है। रोना बंद करो, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ क्या मैं आपको गुड्डन माँ बोल सकती हूँ? बिल्कुल बुला सकती हूँ। अरे हमारे तो कान तरस गए थे ये सुनने के लिए भाई। अब देखो हम अपनी उम्र की बेटी की माँ बनने को तैयार हो गए और तुम्हें की भाव खाती ही जा रही थी, खाती ही जा रही थी। बिल्कुल बुला सकती हूँ। अच्छा पर एक बात बताओ, अब अगर तुम हमें माँ बुलाओगी तो फिर जिंदल साहब को पापा बुलाना पड़ेगा। पापा नहीं, एजे बोलूंगी। कूल लगता है ना? ठीक है ठीक है, तो फिर आज से हम गुड्डन माँ और जिंदल साहब एजे तुम्हारे लिए। हाँ और एक बात, आज तो तुमने माफी वाफी मांग ली, दोबारा ये सब मत करना। हम जानते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं थी बेटा, जो भी किया उस कमीने विक्रांत ने किया था। एंड आई प्रॉमिस यू अलीशा, वो बचेगा नहीं। और तुम कभी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो, गुड्डन और मैं दोनों तुम्हारे साथ हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि इस शादी से भी तुम जल्द से जल्द बाहर आ जाओ। एक मिनट, जल्दी मतलब अभी के अभी? क्या है ना, गुड्डन का मानना है कि नेगेटिव चीजों से जितनी जल्दी दूर हो जाया जाए ना उतना अच्छा होता है, वरना ना वो और नेगेटिविटी बढ़ाती रहती है। प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू, आप कितनी अच्छी माँ हो। दुनिया की सारी माँ ऐसी हो ना तो किसी बेटी को इतना परेशान ना होना पड़े। अरे अलीशा, हम दोनों बहुत लकी हैं, इनफैक्ट ये पूरा परिवार बहुत लकी है कि हमारे पास ये गुड्डन है। सच में? अच्छा जी, तो इतने लकी हैं तो दोनों हमें हग्गी कर दीजिए ताकि हम आपसे दूर कभी नहीं जाए। ध्यान से खाना अलीशा, कहना कि हमारी गुड्डन से सब हो पाता है, लेकिन खाना बनाने में आज भी इनका हाथ थोड़ा तंग है। तो नमक वगैरह देख लेना एक बारिया खाने से पहले। माना कि आप इंदौर के मशहूर शेफ हैं और हम आपसे पंगा नहीं ले सकते, लेकिन इतना बुरा भी नहीं बनाते हैं, ठीक बनाया। और आपका पराठा तो है ना बेस्ट। मेरा पराठा एकदम परफेक्ट है, एकदम प्रॉपर मसालों के साथ। I'm really enjoying. लेकिन हमारा पराठा ना परफेक्शन से नहीं बना, हमारा पराठा प्यार से बना। ये लो अलीशा। अब तुम बताना कैसा बना है। बहुत अच्छा है। देखा।
और अगर अलीशा को अच्छा लगा मतलब हम तो पास हो गए, है ना अलीशा? चलो तुम जल्दी से फिनिश करो इसको। बहुत अच्छा लग रहा है तुम तीनों को ऐसे खुश देखकर। गुड्डन बेटा, तूने बहुत अच्छा किया है अलीशा के गले से ये फांसी का फंदा निकाल कर और माथे का कलंक मिटाकर। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। एक बात कहें आपसे, ये आपको जितनी बार हमारे पर गर्व होता है ना, अगर उतनी बार हम आपसे गिफ्ट लेने लगते ना, तो अब तक तो पक्का एक गिफ्ट शॉप खुल चुकी होती, गुड्डन गिफ्ट शॉप। पगली है, बिल्कुल पगली है। गधे के गले से रस्सी हटा दो, वो घोड़ा नहीं बन जाता, गधा ही रहता है। कहावत मेरी अपनी है और अगर नहीं समझ में आया तो सीधे शब्दों में समझा देता हूं। गले का मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर मिटा देने से शादी खत्म नहीं हो जाती। अलीशा आज भी मेरी पत्नी है। कल इस घर से भागकर तूने अपनी जान बचा ली थी विक्रांत, लेकिन आज तूने उतनी ही बड़ी बेवकूफी कर दी है यहाँ वापस आकर। आज तू नहीं बचेगा, आज तेरी मौत है, मौत। अरे अपने दामाद का खून करेगा? कैसी बातें कर रहा है यार, तेरी बेटी विधवा हो जाएगी। तुझ जैसा हैवान दोस्त तक कहलाने के लायक नहीं है, अलीशा का नाम भी अपनी जुबान पे। आज भी उतना ही अक्खड़ है जितना कॉलेज में था। अक्की मेरे भाई, तेरी बेटी अब मेरी बीवी है, इस घर पर मेरा हक है और इन दोनों पर अपना हक जताने के लिए मुझे तेरी परमिशन की जरूरत नहीं। बकवास बंद करो तुम। इस घर पर, इस परिवार पर, अलीशा पर तुम्हारा कोई हक नहीं है विक्रांत। और अगर एक शब्द भी और तुमने कहा ना अलीशा के लिए, तो इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे तुम। आराम से भाभी, आराम से बात करिए। वो आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं आजकल, वो चिल। हाँ चिल, रिलैक्स, रिलैक्स करिए। मैं इतने आराम से बात कर रहा हूँ, प्यार से बात कर रहा हूँ, और आप दोनों हैं कि मुझे धमकियां दिए जा रहे हैं। अंदाजा था मुझे, इसीलिए मैं किसी को साथ लेकर आया हूँ। मिलना चाहोगे? नहीं मिलना तो पड़ेगा, इसीलिए तो लेकर आया। अब कौन है? कहीं उसकी मरी हुई बीवी वो वैशाली? वो खुद ही बोल रहा हूँ, मर तो चुकी है वो। आई आई आई, क्या ये? थैंक यू, तेरे लिए लव लेटर। विक्रांत बकवास बंद कर और साफ साफ बता क्या है इन पेपर्स में। यार तू गुस्सा बहुत करता है, हर समय बूम बूम बूम। खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, राइट नाउ नो टाइम। ये जो पेपर तेरे हाथ में है, ये वही प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो गुड्डन ने अलीशा के नाम किए थे। अब मेरा है। और इतना ही नहीं, बचा हुआ तेरा आधा हिस्सा भी मेरा है। बकवास कर रहा है तू विक्रांत, मैंने कभी ऐसा कोई पेपर साइन किया ही नहीं। अरे तो खुद देख ले, चश्मा तो तूने लगा ही रखा है, अपने किए साइन तो पहचान ही लेगा ना। पढ़ ले और बता सबको कि ये घर अब तेरा है या विक्रांत गोयल का।
तुझे याद है धंधा मर्ज करने की तेरी मेरी एक डील हुई थी और तब तूने कुछ पेपर साइन किए थे। चल अब इन पेपर्स पर जल्दी से साइन कर दे और जय वीरू से भी गहरी दोस्ती को एक नई बिजनेस पार्टनरशिप में बदल दे। बढ़िया है, मतलब दोस्ती में जय और वीरू और बिजनेस में स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स। सही है, कहाँ साइन करना बोल। अभी क्या कर रहा है? क्या हुआ, इतना पढ़ तो ले। अरे तूने पढ़ लिया है ना, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, जल्दी बता साइन का करना। ये क्या कर रहा है? तूने मुझसे धोखे से ये पेपर साइन करवाए हैं ना? याद कर, मैंने कहा था पढ़, लेकिन तू भरोसे की भींग बजा रहा था। अब भुगत और चल। एक तरीके से मान भी लेते हैं कि मैंने तुझे धोखा दिया तो क्या? तो क्या हम कोई लूडो नहीं खेल रहे? This is war. जंग है ये, और जंग में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, जीत। प्यार की कीमत पर, दोस्ती की कीमत पर, हर एक रिश्ते की कीमत पर, सिर्फ जीत। शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? मैंने तुझे अपना बेटा माना ना, और तूने इस तरह हमें धोखा दिया। अपने सबसे अच्छे दोस्त का, अपने भाई का भरोसा तोड़ा है तूने। इस जैसे घटिया इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है मौजी? ये दोस्ती का मुखौटा पहनकर कर पाए ना तुम ये सब? अगर हिम्मत थी ना तो सामने से वार करते। सामने से नहीं गुड्डन, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे या माँ के कुछ भी कहने से इस हैवान के दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तुझे याद है विक्रांत, तूने ही कहा था ना कि ये मकान मेरा है पर ये घर मेरी माँ का। करेक्ट। तो चल, आज से ये मकान तेरा हुआ, लेकिन मैं अपना घर, अपना परिवार अपने साथ लेकर जा रहा हूं। ये पैसा, दौलत, जायदाद, ये सब मैं फिर कमा लूंगा, नो बिग डील। लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, मेरा परिवार, मेरी गुड्डन मेरे साथ है। इन्हें मैं साथ ले जाऊंगा और तू यहीं अकेला रहेगा। हमेशा अकेला था, अकेला है और अकेला ही रहेगा। परिवार को साथ लेकर जा रहे? अरे जी, पागल हो गए हैं क्या? अपने परिवार में हम लोग को तो नहीं गिन रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे यहीं रहना है, प्रॉपर्टीज के पेपर्स मुझे देना है। तो तुम क्या यहाँ विक्रांत जी के साथ रुकोगी? हाँ, मुझे यहीं रहना है, प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे लेना है। तुम लोग जाओ जाओ। तो मैं क्यों जाऊँ? मैं भी आ रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है। बीवी जी, तुम अपना देख लो। तुम दोनों जरा चुप रहोगे? खुद तो परेशान हो रहे हो और मुझे भी कर रहे हो। चलिए आप सब, हम लोग ये घर अभी इसी वक्त छोड़ के जाएंगे। अपना अपना सामान पैक करिए, चलिए। पैकिंग? काहे की पैकिंग? नो सामान बांधिंग, सबके सब फटाफट इसी वक्त घर से भागेंगे। परिवार सबसे कीमती है ना तेरे लिए, तो ले अपना परिवार और निकल यहां से। ये मकान और इस मकान में जितना भी सामान सब मेरा है। सारा सामान तेरा है ना, तो ये चप्पल भी सजाकर तुम ही रखो, ये भी तुम्हारे मुंह पर सजा देते हम, नहीं अच्छी लगेगी। नहीं गुट्टन, इस जैसे घटिया इंसान के मुंह लगकर कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। रहने दो इसे इस मकान में अपनी चीजों के साथ, क्योंकि रिश्तों को समझ पाना इससे ना हो पाएगा। लेट्स गो, चलिए आप सब।
आओ चलो आइए माँ, चलो अलीशा का। चलो और क्या। अरे मैं नहीं जाऊंगी। इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तो मेरी धर्म पत्नी है।